<laughs> करता हूं, तो 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 मुझे मुझे पता चलता रहता है 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 कि आप आप दिन में तकरीबन अगर नॉर्मल मील ले ले रहा होता डाइट हाँ, तो के साथ <laughs> ले रही होती विद मीठा प्लस कर ये तो ये जरूरी है ना तो लगता मेरा मेटाबॉलिज्म माशाल्लाह से इतना अच्छा है, जो मैं खाती हूँ मुझे आप तो देखते ही रहते हैं तो मैंने सोचा कि आ, फिटनेस बहुत जरूरी है जब मैं मॉर्निंग शो मैंने स्टार्ट किया उससे पहले भी खैर इस चीज़ का अंदाजा था कि फिट रहने के लिए जिम जाना या फिर वॉक करना बहुत जरूरी है लेकिन जब से मॉर्निंग शो किया तो ये एहसास ज्यादा हुआ जो भी डॉक्टर्स आते थे जो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स आते थे वो पहली बात ये करते थे कि आप जिम जाए जिम जाए जिम जाए मतलब मोटिवेशन वहां से मिली जो गेस्ट आके आपको मोटिवेशन मोटी होने से भी मिली ना मोटी हो रही हूँ मैं मेरा फेस एंड एवरी क्योंकि टीवी पे अगर आप आते जो पेर

अच्छा दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पैदा मियाँ वाली में हुई और प्री मेडिकल एफ तक मेरा सारा टाइम जो है वो मियाँ वाली में गुजरा फिर जब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का टाइम आया डिसाइड करना था तो मैंने डिफरेंट uh, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जिसमें मेरा कनेड में एडमिशन हुआ इंग्लिश लिटरेचर hmm. में और मेरा मैरिट पर एडमिशन हुआ माशा आला, माशा आला। और सिफारिश कोई।, कोई नहीं थी बिल्कुल भी और मियाँ वाली से मैं मेरा ताल्लुक़ था मियाँ वाली से पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हॉस्टल में बच्ची को भेजना है और फर्स्ट टाइम था पूरा टाइम मेरा मियाँ वाली में गुजरा मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग था लेकिन मैं यहाँ पर आई फिर मेरे पेरेंट्स को भी मेरी वजह से ही शिफ्ट होना पड़ा लाहौर अच्छा में क्योंकि वो भी शिफ्ट हो गए और अब तो सारी फैमिली शिफ्ट हो गई कॉलेज जा, जाती थी टाइम पे और हॉस्टल की बात करें नहीं सुबह टाइमली उठती थी क्योंकि अम्मा अब का डर बहुत ज्यादा था और फिर मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट भी थी और मैं अपने कॉलेज की हेड गर्ल भी थी तो मेरे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी सुबह उठना टाइमली जाना सुबह सारी असेंबली कंडक्ट करानाइट मीडिया में किस तरह से आ गई मतलब शिफ्ट किस तरह हो गई पहले सोचा था बनना चाहती थी नहीं सी एस एस करना चाहती थी एक्चुअली अच्छा। और uh, अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मुझे फॉरन सर्विस में जाने का बहुत शौक था आप मुझे है कि तो मुझे लगता था कि अब्बा और फैमिली uh, मेरा ब्रॉटअप इस तरह से हुआ ना कि एक चीज को जब आप बचपन से आइडियलाइज करते हैं आप देखते हैं तो वो आपके माइंड में वो इम्पैक्ट छोड़ जाती है hmm. और बचपन से मुझे था या तो फॉरेन सर्विसेज में जाना है या फिर मुझे ये था कि मुझे लॉ करना है मुझे लॉयर बनना है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट एक उसमें एडमिशन ले लिया मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ले लिया बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट था और जब वहाँ एडमिशन लिया तो मज़ा भी आया डिग्री करने में मुश्किल बहुत था आई वुड नॉट से कि अंग्रेजी लिटरेचर आसान है लेकिन इंटरेस्टिंग uh, था मज़ा आया और उसके बाद मीडिया की अगर बात करें तो इट वॉज नॉट ब्लैंड मैं पठान फैमिली से हूँ मेरी बहुत फैमिली स्ट्रिक्ट है फैमिली सपोर्ट थी उस टाइम जब मैं बताती हूँ ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है मेरी एक दोस्त थी वो एक चैनल में इंटर्नशिप करती थी अच्छा। तो वो मीडिया स्टडीज से थी तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उनके साथ गई उस ऑफिस में उस टीवी चैनल के ऑफिस में और वहाँ पर अयूब खावर साहब एंड एलबाज चौधरी को मैं क्रेडिट देती हूँ अगर आज मैं मीडिया में हूँ तो आई एम बिकॉज ऑफ हिम मैं अपनी दोस्त के साथ सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और उन्होंने मुझे देखा उन्होंने कहा आपको उर्दू आती है

मैंने उनको बताया कि मैं पठान फैमिली से हूँ न्याजी है मेरे तो अब्बा तुम तो टीवी पे नहीं आ तो तो सकती ना, ना ना करना। ना ना इस तरह तंग करना मुझे <laughs> उन्होंने कहा भाई अब्बा का नंबर दे और अब्बा से बात कर मैंने अच्छा, कहा अब्बा का नंबर ही ले लिया अब्बा मैंने कहा वो ना मेरे अब्बा भी बहुत स्ट्रिक्ट है मुझे डर था अब्बा का ये थोड़ी अब्बा का नंबर दे दिया नहीं 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 मैंने कहा मेरे अब्बा बहुत सख्त है अगर उनको पता चला की बेटी टीवी पे जाने का सोच रही है वो तो पता नहीं क्या घर में कोहराम बरपा हो जाएगा मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है खैर मेरे खालू थे अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए उनसे वो मेरे मैं उनको बाबा ही बुलाती थी, थी तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी उनसे बात की उन्होंने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उन्होंने अब्बा को कन्विंस किया उन्होंने कहा क्या है अच्छा शो है उसमें खबरें ही पढ़नी और मैंने शुरू भी ये किया हालांकि उसमें सिर्फ मुझे आई बी ऑनेस्ट हंसने के पैसे मिलते थे और एंड पे दो खबरें होती थी जो फनी खबरें होती है आपको हंसने के अच्छे पैसे मिलते फिर भी स्टार्ट में एक तब हम अगर फिगर बताए एक लाख हसने, हसने का मिलता था, था और ये nice. अभी तक वैसे किसी को मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया लाख रूपये हंसने का लेते हैं ही हंसी जा रही है अच्छा दिस इज आवर इम्पैक्ट आया मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी